अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल ओल्ड होम। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा टॉमी भैया की कहानी, क्योंकि GTA वाइस से भी हमारी बचपन की यादें ताज़ा करता है और हम लोगों का बचपन में फेवरेट गेम है। तो मैंने सोचा कि इस क्वारंटीन में इसको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के तौर पर यूज़ किया जाए। तो भाई, टॉमी भैया की कहानी को जिस तरह से हमने लिखी है कि टॉमी भैया जो हैं वो एक बेरोज़गार आदमी हैं और उनको चाहिए पैसा, पैसा कमाना उन्होंने। तो सनी नाम का एक गुंडा जो है, माफिया जिसको कह लें आप, उसकी कुछ ड्रग डील्स हैं और वो ड्रग डीलिंग में काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको चाहिए था कोई टॉमी जैसा बंदा, हट्टा कट्टा नौजवान, ठीक है। तो उसने टॉमी को किसी भी तरह वैसे पैसों की लालच देके अपने शहर बुलाया कि भाई तुम वाइस सिटी में आओ और मेरे काम करो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसा दूंगा, पैसा 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 दूंगा, ठीक है। पैसा देने की उसने लालच दी, टॉमी भैया ने हाँ कर दी, टॉमी भैया आ गए। टॉमी भैया जब आए तो वो अपने दोस्त से मिले जो कि लॉयर होता है, और लॉयर के साथ दो बंदे और थे जो कि डील में इन्वॉल्व थे। तो आते ही लॉयर ने कहा कि भाई सबसे पहले हम अपनी डील निपटा लेते हैं, तो हम डील की तरफ चलते हैं। वो लोग गए एक डील निपटाने के लिए जो कि जिसपे सनी के पैसे लगे हुए थे, सनी जिसने टॉमी को बुलाया, ठीक है। अब जब सनी ये लोग डील करने गए तो वहाँ से कुछ मेंबर्स के लोगों ने आके इनकी डील पे हमला कर दिया और सनी के पैसे बर्बाद हो गए, सनी चला गया, सनी के पैसे चले गए। और टॉमी किसी तरह बच बचा के अपने लॉयर दोस्त के साथ वहाँ से भाग निकला और बाकी के लोग वहाँ शहीद हो गए। और जब वो निकल गए तो उसके बाद उसने जो उसका लॉयर दोस्त था उसने कहा कि यार मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी, मैं डर चुका हूँ बहुत। तो टॉमी ने इससे कहा कि भाई अभी तो सोच रहा आराम से जाके हम इससे बाद में बात करेंगे। और जब बाद में बात करने की बारी आई तो टॉमी भैया उसके पास गए, उसने कहा कि भाई अब इससे हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताओ कि शहर में और माफिया कौन है। तो इस तरह से उसने शुरुआत की टॉमी ने काम करने की। तो टॉमी भैया को उसने एक बंदे का बताया जो कि कॉर्टेज है, वो इन मामलों में बहुत ज़्यादा आगे है। तो कॉटेज के पास भेजा उन्होंने इनविटेशन के साथ। कॉटेज जो है वो इस शहर में अच्छा खासा गुंडों का बहुत बड़ा सरदार कहने हैं, उसके लिंक्स अच्छे हैं और वो भी इन सब कामों में बिल्कुल है। अब कॉटेज जो है उसके पास भेजा टॉमी को, क्योंकि टॉमी की बात कर चुका था। तो जब वो कॉटेज के पास गया, शिप पे उसने दावत दी थी, तो वहाँ पे टॉमी भैया को उन्होंने काम दिया। और उन्होंने सबसे पहला काम ये दिया कि मेरी बेटी को वहाँ पर छोड़ दे जगह पर। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई थी। अब आगे का हिस्सा आप वीडियो में देखिए। अब तक के लिए बात सुनो बहन, तुम ऐसे क्यों चलती रहते, तुम्हें बाबा की माफ करना। वो छोड़ो, तुम काफ़ी हैंडसम हो, तुम मेरे बाप के लिए काम करोगे। हाँ, सोच तो यही रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे बहुत सारे देगा, लेकिन मेरे बाप को डील करना बहुत मुश्किल है, मेरे तो बहुत किसी को भी खरीद सकता है। हाँ मुझे पता है, मुझे मसे खा यार, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो, मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मैं पैसे कमाने आया हूँ। चलो उतरो और निकलो यहाँ से। ओके हैंडसम, फिर मिलेंगे। हाँ हम घंटा मिलेंगे, पतली गली में घुस जाओ। अरे वाह, $100। टॉमी कहाँ था तू, यहाँ टेंशन में मेरी पतलून गीली हो गई, तू पता नहीं कहाँ है यार। हाँ मैं पैसों के जुगाड़ करने लगा हूँ यार, उसी बारे में सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस बारे में। यार एक बात सुन, मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है, प्लीज़ यार तू एक काम कर, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं हर जगह में, तू सबसे पहले कैंट पॉल के पास जा, कैंट पॉल के पास तुझे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे स्ट्रीट वाले, तो तू फिर अच्छे से काम कर पाएगा, समझ गया ना। ज़्यादातर मेलिबू क्लब में होता है। हाँ मैं समझ गया, देख मैं क्या करता हूँ।
Kevin. जानो आई लव यू सो सो मच। शादी के बाद मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लेके आया हूँ। अब सुनो मेरी बात। ओए नल्ले बात सुन मेरी। ओए कैंट 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 पोले इधर देख। इधर बात सुन, मुझे तेरी ज़रूरत है। ये बता कि स्ट्रीट के मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाएगा या नहीं, मेरे लिए काम करेगा या नहीं, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे बहुत मार दूंगा। यार देख मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तू कहीं और जा। देख तू समझ नहीं रहा मेरी बात, तुझे आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ मैं बहुत प्यार से। अगली बार मैं प्यार से नहीं समझाऊंगा और तुझे मार के ही समझाऊंगा। समझ रहा मेरी बात, मुझे बता कि काम करेगा नहीं करेगा। हाँ यार अच्छा अच्छा मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ, तुम टेंशन ले लो बिल्कुल यार प्लीज़। अच्छा 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 मैं रखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ आखिरी वार्निंग है तेरी, समझ गया। चल फिर मिलेंगे। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, मेरे लिए ड्रिंक बनाओ यार, अजीब पागल आदमी है। हेलो दिस इज लेंस, मेरे साथ काम करोगे? मुझे पता है हमारी डील कैंसिल हुई है, मेरी भी हुई थी। जिस गैंग ने तुम पे हमला किया मुझ पे भी किया, हम दोनों का दुश्मन सेम है। लेकिन मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ, तुम्हें करना ही होगा, ये हम दोनों का फ़ायदा है इसमें। लेकिन मैं कैसे करूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम गलत कर रहे हो, देखो सोचो इस बारे में कि अगर हम दोनों मिल के काम करेंगे, प्लान बनाएंगे, तो हम दोनों बहुत काम कर सकते हैं और अपना पैसा हम दोनों का वापस ले सकते हैं। समझ रहे हो तुम मेरी बात? हाँ मैं समझ रहा हूँ। ये कौन है? पता नहीं, इनको ख़त्म करके आओ मेरे पीछे, फॉलो मी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम गन्स पकड़ते हैं ताकि हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम कर लेना चाहिए, ठीक है? हाँ कह तो सही रहे हो, चलो गन शॉप पर ले लो। लेकिन मुझे गन्स की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही काफ़ी हूँ। मेरी बात समझो, हम पहले गो टू एमिनेशन, उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में। हाँ ठीक है चलो। भाई इस शहर में ये एक दुकान है, यहाँ से तुम गन खरीद सकते हो, मैं भी यहीं से खरीदता हूँ। ये गन के पास अलग अलग वैरायटी की है।
Hello? Who's this? I'm Tommy speaking. अरे भाई मैं लियो नहीं हूँ, लियो नहीं हूँ मैं। अब फोन रख, अजीब बावला आदमी है, बता रहा हूँ मैं टॉमी हूँ। अबे आराम से, डर गया, मेरा हार्ट अटैक कैसा लगा, पैंट गीली हो गई मेरी, अजीब पागल है भाई, आराम से। अच्छा पैसों का कुछ हुआ ये बता, जल्दी बता यार, उस डील के बारे में कुछ हुआ, कहाँ है वो बंद? भाई रिलैक्स कर यार, पहले चिल करा कर यार। मैं कैसे चिल करूँ जब से पैसा गायब हुआ, मेरा तो दिमाग ही आउट हुआ है, नींद में आराम हुई है, जैन की दो दो गोलियाँ खा रहा हूँ और फिर भी नहीं सो रहा। अबे भाई तू मेरी बात यार, तू समझ नहीं रहा मैं कितनी टेंशन में हूँ। ऊपर से मेरा एक कज़न है जिसका नाम है जूरी, उसने और पैसों का कुछ घपला कर दिया है और उसको वो मुझे उल्टा और ब्लैकमेल कर रहा है यार। इस मामले को भी हैंडल कर ले, मेरे लिए फेवर है, प्लीज़ यार इसको इस मामले से भी निकाल दे। हाँ मैं देखता हूँ, तू मैं कुछ करता हूँ यार, प्लीज़ यार संभल के उसका माइंड चेंज कर दे ना बस। आई लव यू अलॉट यार, आई लव यू अलॉट, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तू बेस्ट फ्रेंड है मेरा, प्लीज़। भाई तू उसको ब्लैकमेल करना बंद कर दे वरना पतली गली से निकल। मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे जाने दो प्लीज यार। तू मेरे दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा है,
अब मैं तुझे बताता हूँ कि उसको ब्लैकमेल करने का अंजाम क्या होता है। मैं टॉमी वर्सरी हूँ। जिस तरह मैं गाड़ी से बाहर निकल, तू पहले नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, मेरी गाड़ी मत तोड़ो प्लीज। तेरी गाड़ी की तरह तुझे भी तोड़ दूंगा मैं। अगर आइंदा तूने मेरे दोस्त को ब्लैकमेल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे दोस्त को क्या आइंदा जिंदगी में तूने कभी किसी को ब्लैकमेल किया किसी भी वजह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह इस गाड़ी को तोड़ा है ना मैंने, उसी तरह तेरी हड्डियों पर ये डंडे मार मार के तेरी चटनी बना दूंगा, समझ गया? चल मेरे दोस्त से जाके माफी मांग भाग के। हाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बच दो। हेलो, हु इज दिस? यार सनी हियर। यार आई एम सॉरी टॉफी, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, मैं अपने पैसों की वजह से बहुत परेशान था। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा गुस्से में आ जाएगा यार। लेकिन तुमने मेरे पैसों का कुछ किया ढूंढा? हाँ मैं उसी सिलसिले में काम कर रहा हूँ सनी, तो परेशान मत हो, मैं रिलायबल बन रहा हूँ। हाँ मुझे भी टॉमी तुम्हारे जैसे ही कोई रिलायबल आदमी की तकलीफ थी, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तुम ये समझ सकते हो इस चीज़ को। टॉमी प्लीज़ यार, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। हाँ मैं देख रहा हूँ इस केस को, टेंशन नहीं लो तुम, ठीक है? Let go.